डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इस कहावत को चरितार्थ भी कर जाते हैं। आज हम भगवान के इसी रूप को सही दर्शाने वाले एक डॉक्टर की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे जानने के बाद इस प्रोफेशन के प्रति आपका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनने के बाद ही लोग घबरा जाते हैं। एक तो भयंकर बीमारी, ऊपर से काफी खर्चीला। अब सोचिए अगर हम ये कहे कि एक ऐसा डॉक्टर है जो उस बीमारी का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है, तो शायद एक बार को आप मानने से इनकार कर दें। लेकिन एक डॉक्टर है जो इस बीमारी का इलाज फ्री में करते हैं। आज हम उसी डॉक्टर की कहानी को जानेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार एम्स में कैंसर सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। बिहार के रहने वाले हैं। वो बिहार के डेहरी ऑन सोन में महीने के पहले वीकेंड आते हैं और डॉक्टरी की एक ओपीडी लगाते हैं। महीने के पहले शनिवार कई लोग जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनसे अपना इलाज करवाने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो 150-200 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचते हैं। वो यहाँ सुनील कुमार से ट्रीटमेंट लेने आते हैं। डॉक्टर साहब पिछले 9 सालों से कैंसर के मरीजों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। उन्होंने ये काम अपनी माँ के नाम से शुरू की गई फाउंडेशन के तहत किया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है। दरअसल उनकी माँ भी कैंसर से पीड़ित थी। हुआ ये था कि जब सुनील कुमार को अपनी माँ के बारे में पता चला, तब वो कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो विदेश में प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें बस इस बात का एहसास हुआ कि गांव में तो इस बीमारी का इलाज संभव ही नहीं। वो उस वक्त तो कुछ कर नहीं पाए, करते भी कैसे। लेकिन ये बात उन्हें कचोटती रही। आखिरकार 2012 में उन्होंने एम्स ज्वाइन किया और फिर उन्होंने देरी नहीं की, ठीक अगले साल ही एनजीओ खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर सुनील बताते हैं, 2012 में जब मैंने एम्स ज्वाइन किया, उसके अगले साल ही एनजीओ खोल दिया। इसमें सिर्फ 5 लोगों ने मेरी मदद की थी। हमारे पास 14-15 वॉलंटियर्स थे जो हमें कैंसर पेशेंट्स की जानकारी देते थे। यही से हमारी शुरुआत हुई। उनका कहना है, हमारा पहला काम लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करना है, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी लोगों में इसकी जानकारी का अभाव है। बहुत से मरीज एम्स आते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। हमारा लक्ष्य ये है कि लोगों को इस बारे में जानकारी हो, ताकि बीमारी जल्द पकड़ में आ जाए और इसका पूरा इलाज मिल सके। मैं लोकल हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ, ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारी पकड़ में आ सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनका एनजीओ स्कूल कॉलेज में कैंप लगाकर लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करता है, साथ ही साथ कैंसर पेशेंट का इलाज भी करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी 13,90,000 कैंसर पेशेंट है। अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक ये आंकड़ा 15,70,000 तक पहुंच जाएगा। मालूम हो कि इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है। अब ऐसे में सिर्फ इलाज ही समस्या से निजात नहीं दिलवा पाएगा, बल्कि भारत में कैंसर के प्रति अवेयरनेस की भी जरूरत है। ऐसे में सुनील कुमार जैसे डॉक्टर हम में से कईयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। उनके इस नेक काम के लिए सल्यूट तो बनता है। तो ये थी डॉक्टर सुनील कुमार की कहानी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।